अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चॉपर के अंदर डालेंगे सारी चीजें, कीमा, ये आपको बता देती हूँ, एक अदद प्याज, दो अदद हरी मिर्चें, दो खाने के चम्मच हरा धनिया और एक टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 जवे आपने लहसुन के लेने हैं। ये जाएंगे चॉपर के अंदर और बड़ा आसान से फटाफट ये बन जाता है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर कीमा। कीमा कोशिश करें कि बिल्कुल रूखा वाला लें, ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें पानी है, वॉश करने के बाद पानी होता है, तो आप क्या कीजिएगा, जो ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी है थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। पहले मैं इसको अच्छी तरह से पीस रही हूँ, तो बस इसको चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें ब्रेड क्रम्स, मैंने इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, नमक, बस ये सारी चीज़ों को मिक्स करना और सिंपल इसके जो बनते हैं कबाब, वो कबाब बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डालकर हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इस तरह से मुझे बनाने हैं इसके पेटी, ठीक है। बहुत मोटे ना बनाएगा ज़रा, इसलिए कि हमने डबल उसमें रखने हैं, तो इसलिए हम थोड़े से इसको इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर आपने इस तरह से, अब ये फ्राई करके इसको मैं निकालूंगी। जब तक ये फ्राई होने, दूसरी साइड पर हम इसकी सॉस बनाएंगे, ठीक है। सॉस के लिए भी मैं एक ले लेती हूँ पैन, जिसके अंदर हमने सॉस बनानी है। यहाँ पर मेरे पास है ये यखनी है, ठीक है, ये यखनी इसमें डालेंगे, इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी, इसमें ज़ीरा डाल देना, 1 चाय का चम्मच में कॉर्नफ्लोर शामिल करना, इमली का रस इसमें जाएगा, साथ में इसमें जाएगा टोमेटो केचप। अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर चूल्हा जलाते हैं और इसको पका के गाढ़ी सी इसकी सॉस बना लेनी है। ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी सॉस जो है ये रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी बस और पकानी है, हल्का सा इसको मतलब गाढ़ापन लाना है। लहसुन थोड़ा सा डाल देते हैं बस। अब क्या करेंगे, हल्का सा आप चाहें तो इसको मतलब टोस्ट कर ले। यहाँ पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बटर। अच्छा, इसको आप ये भी कर सकते हैं, तो हल्का सा फिर आप माइक्रोवेव भी कर लेते हैं कि चीज़ जो है आपकी मेल्ट हो जाएगी। पहले मैं इसको हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हल्का सा। आपने इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस लगानी है, ऊपर से फिर हम दोबारा से भी इसके ऊपर सॉस डालेंगे। इसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से ये रखिएगा, साथ में एक आपने सैलेड डिव रख लीजिएगा, स्लाइस चीज रखिएगा, एक पैटी, ठीक है, इस तरह से। इसके ऊपर दूसरी स्लाइस चीज, बल स्लाइस चीज रखिएगा, ताकि आपको अच्छा उसका सही जो है खाने का अच्छा टेस्ट मजा आए। से आप इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ये इस तरह से को रखती हूँ यहाँ पर, और इसी सॉस के साथ आपने इसको सर्व करना है।